वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं भाई दूज की कथा। तो आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। भाई दूज का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज का व्रत किया जाता है। इसे भातृ द्वितीया या यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। इस दिन बहन अपने भाई की आरती उतारती है और उनका तिलक करती है। इससे यम देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान गणेश और भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। सुनते हैं भाई दूज की कथा। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया के साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक सर्प आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा फिर वहीं पर खत्म हो जाता था और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए और 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। और फिर भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि हे माँ, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। और माँ ने कहा कि ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन ने उसकी खुशी को देखकर वह जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप दे और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सर्प मिला। सर्प उसे डसने को हुआ तो भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। फिर सर्प बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तो सर्प ने कहा कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। तो भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो मुझे मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तब तुम मुझे डस लेना। तो सर्प ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसा किया है। तो भाई बोला कि पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपता है। एक काम कर, गोबर से रसोई को लिप और दूध में चावल पका। फिर बहन ने ऐसा ही किया और खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोरों की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले कि मामा मामा, हमारे लिए तुम क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया, बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सर्प था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने मुझे बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर उपहार लाए हो। भाई बोला कि बहन तुझे क्या पसंद है, तू तो झोला ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना करके एक डिब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, जो रखा है वही दे दो। तो वह बोले कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा ले। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी हो गई और भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले।
कहीं वही तो नहीं? भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? तो भाई बोला, ये ले तेरा लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले देके लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा था, जरूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को जोरों से प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड्ढे की रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे के तो शादी के मंडप में ही उसे सर्प ने काट लिया, जिसके कारण वह मर गया। तो उसके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, तब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतलाया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय बाद के लिए खबर आई, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा, सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सर्प का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील और कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए, सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने को दे दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रहा था तो दरवाजे अचानक गिरने लगे। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि ये क्यों छांव में रहेगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होऊंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, फिर वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि बाबली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा करती है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठे को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने लगा तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़ दे। दुल्हन बोली कि पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा कि ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली कि एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होनी चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा भी जेठ छोड़,
इस तरह एक एक करते हुए दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बतलाया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली कि गर यह बात सच होती, गर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। तो फिर ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहु बेटे को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई, बोली कि यह सब तो मेरी बावली का किया है। कहा कि हे मेरी बेटी, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे, देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी को ले जाएगी तो तेरे भाई और भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इसी प्रकार से जो भी भाई दूज के व्रत में अपने भाई का पूजन करते हैं, तिलक करते हैं, तो उनके भाई की रक्षा होती है और आयु की बढ़ोतरी होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। विशेष प्रकार की जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के वहाँ से या डिस्क्रिप्शन में जाकर के भाई दूज के व्रत पूजन शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।